नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है डायरेक्टली सेंसेक्स से। दोस्तों, मैंने एक वीडियो कवर करी थी अभी लास्ट वीकेंड, जहां मैंने आपसे कहा था कि सेंसेक्स से आपके लिए एक बदलाव हो सकता है और निफ्टी में आपके लिए दो बदलाव हो सकते हैं। तो खबर आते हुए दिख रही है सबसे बड़ी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अदानी ग्रुप की पहली कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ऐसा होगी जो आपके लिए एंटर करते हुए दिख सकती है सेंसेक्स में। यहां पे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि अदानी ग्रुप से कंपनी तो है, एंटर कर रही है, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस नहीं है। तो क्या है, कौन सी कंपनी है और कौन से स्टॉक के लिए खबर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, चलिए शुरू करते हैं एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो निफ्टी है, जो सेंसेक्स है, इनमें हर 6 महीने में रीबैलेंसिंग होती है। हमेशा आपसे क्यों कहा जाता है कि इंडेक्स में पैसा लगा दो सेफ है, क्योंकि इंडेक्स अपने आप को मैनेज करती है। अगर कोई कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, उसके इंडेक्स को नीचे ट्रैक कर रही है, तो वो क्या करेगा, उस स्टॉक को अपने इंडेक्स से बाहर कर देगा और उसके बदले अगर कोई और अच्छी कर रही है कंपनी, उसको अपने अंदर इंक्लूड कर लिएगी। इसी प्रकार से निफ्टी की पहले मैं आपके साथ बात करूं तो यहां दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो निफ्टी का हिस्सा बन सकते हैं और उनके बदले दो स्टॉक सामने से बाहर निकलेंगे। कौन कौन सी दो कंपनियां, एक बार वो बताता हूं। तो निफ्टी में डीवीज लैब और एलटीआई माइंडट्री दो ऐसी कंपनी हो सकती हैं जो बाहर आ सकती हैं। वहीं उसके सामने आपके लिए जो अंदर आते हुए दिख सकती हैं वो है आपका ट्रेंट एंड दूसरी कंपनी हो सकती है BEL। ये आपके साथ मैंने रिपोर्ट शेयर करी थी, बट मनी कंट्रोल की माने तो आज यहां पर रिपोर्ट आई है, ऑल्सो टाटा ग्रुप कंपनी ट्रेंट विल मेक एंट्री इन सेंसेक्स 50 वाइल डीवीज लैब लिमिटेड विल बी ड्रॉप फ्रॉम द इंडेक्स। तो निफ्टी से नहीं, सेंसेक्स से खबर आ रही है कि सेंसेक्स से डीवीज लैब बाहर हो सकती है और इसके बदले ट्रेंट एंट्री कर सकता है। तो अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट ये है कि निफ्टी 50 से डीवीज लैब बाहर नहीं हो रहा है, आपका सेंसेक्स से बाहर हो सकता है और इसके बदले टाटा ग्रुप की ट्रेंट डायरेक्टली सेंसेक्स का हिस्सा बन सकती है। देखो, सेंसेक्स का हिस्सा बनना अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। क्यों, सेंटिमेंटल है ये, वैसे नहीं है, क्यों, ये एक स्टेटस सिंबल है कि आप भारत की टॉप 30 कंपनी, आप BSE सेंसेक्स का हिस्सा हो। वहीं निफ्टी 50 क्या कहती है, भारत की टॉप 50 कंपनी का हिस्सा हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो ट्रेंड है वो एंट्री करने के मूड में आ रहा है भाई साहब सेंसेक्स में, और डीवीज लैब हो सकता है बाहर। तो ये दोनों ही स्टॉक्स के लिए बड़ी अपडेट है। अब डीवीज लैब बाहर होगा तो कितना नेगेटिव है और ट्रेंड अंदर आएगा तो कितना पॉजिटिव है, इसको समझिए। देखिए, इससे होता ही है कि पैसिव इनकम आ जाती है। जितने भी लोग सेंसेक्स का ETF खरीदते हैं वो डायरेक्टली इन स्टॉक्स में पैसा लगा देंगे, और वो बाहर हो रहा है तो उसमें से ETF से पैसा बाहर जाएगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आगे बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ अदानी ग्रुप की, तो खबर ये थी कि विप्रो सेंसेक्स से बाहर होगा और उसके बदले अदानी एंटरप्राइज अंदर आ सकता है, और अदानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उनमें से कोई कंपनी सेंसेक्स का हिस्सा नहीं है, और पहली कंपनी अदानी एंटरप्राइज ऐसी हो सकती है जो सेंसेक्स का हिस्सा बनेगी। लेकिन खबर ये आ रही है कि अदानी एंटरप्राइजेस नहीं, अदानी पोर्ट्स रिप्लेस कर सकती है विप्रो को। तो यहां ये अपने आप में बेहद पॉजिटिव और बेहद मतलब एक शॉकिंग न्यूज है मेरे लिए कि एंटरप्राइज नहीं पोर्ट्स जा रहा है। तो क्या लिखा है मैं बताता हूं, अदानी पोर्ट्स लिमिटेड विल रिप्लेस विप्रो लिमिटेड इन द 30th स्टॉक ब्लू चिप एंड SMP BSE सेंसेक्स फ्रॉम June 24, द ऑपरेटर ऑफ द इंडेक्स एड ऑन May 24। तो ये फाइनल अपडेट है जहां पे सेंसेक्स में दो बदलाव होने जा रहे हैं। पहला, विप्रो बाहर हो रहा है, अदानी पोर्ट अंदर आ रहा है, और दूसरा, डीवीज लैब बाहर हो सकता है जिसके सामने ट्रेंट अंदर जा रहा है। तो दोनों ही अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है। तो ये क्लियर कट दिखा रहा है कि आपके लिए नेगेटिव किसके लिए, डीवीज लैब और विप्रो के लिए, पॉजिटिव किसके लिए, अदानी पोर्ट्स एंड ट्रेंट के स्टॉक के लिए। सेंटिमेंटल ज्यादा है, आगे देखें तो इसमें अमाउंट भी लिखा हो तो चेक कर लेते हैं। इफेक्टिव एट द ओपन ऑफ Monday 24th June 2024 द हिंजेस मेड एशिया इंडेक्स सेट BSE also announced changes to BSE 100 Sensex, Sensex Next 50, BSE Bankex, BSE 100 indices. Page Industries, SBI Card, ICICI Prudential Life Insurance, Jubilee and Foodworks, Z Entertainment will no longer part of S&P BSE 100 index.
तो ये सब S&P BSE 100 इंडेक्स से बाहर हो रहे हैं, यानी कि सेंसेक्स के 100 इंडेक्स से बाहर हो जाएंगे, विल बी रिप्लेस्ड बाय, इनके बदले कौन आने वाला है, REC लिमिटेड, HDFC AMC, कैनरा बैंक, कमिंस इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। ऑल्सो टाटा ग्रुप कंपनी ट्रेंट विल मेक एन एंट्री इन सेंसेक्स 50, वाइल डीवीज लैब लिमिटेड विल बी ड्रॉप फ्रॉम द इंडेक्स। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक विल नो लॉन्गर पार्ट ऑफ BSE बैंक एक्स फ्रॉम June 24, विल बी रिप्लेस्ड बाय यस बैंक एंड कैनरा बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक एंड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बाहर होगा BSE बैंक एक्स से, और इसके सामने यस बैंक और कैनरा बैंक एंट्री करेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स थे, रीबैलेंसिंग की अपडेट थी जो आते हुए दिख रही है, आज मैंने आपके साथ डिस्कस करी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।